गाइस, आज की समरी रहने वाली है हमारी क्लास 11th हिंदी के चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इसकी समरी को। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे अनुपम मिश्र जी। ठीक है, राजस्थान की रजत बूंदे चैप्टर के राइटर कौन हैं? अनुपम मिश्र जी। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जो काफी फेमस रही थी, राजस्थान की रजत बूंदे। इसी का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। भाई, इस चैप्टर में राजस्थान में कैसे मीठे पानी की प्रॉब्लम रहती है उसको डिस्कस किया गया है। एंड उसको प्राप्त करने के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए कुएं बनाई जाती हैं, और कुएं को बनाता कौन है? चेलवांजी लोग, तो इसको बताया गया है। तो अब आपके मन में आएगा ये कुएं क्या होती हैं एंड चेलवांजी लोग क्या होते हैं। तो चेलवांजी को हम चेजारो भी कहते हैं, और कुएं की खुदाई उसको हम चेंजो भी कहते हैं। कुएं कुएं का ही एक दूसरा रूप होती है। कुआं हमारा पुरलिंग का शब्द रहता है एंड कुएं हमारा स्त्रीलिंग का शब्द रहता है। गहराई देखें तो दोनों की सेम रहती है, बट अगर ब्यास की बात करते हैं तो कुएं का ब्यास ज़्यादा रहता है, कुएं का ब्यास कम रहता है। ठीक है, और जो कुआं होता है वो पक्के तौर पर बनाया जाता है, और जो कुएं होती है वह एक जुगाड़ू तौर पर बनाई जाती हैं। कुएं का पानी जो होता है वो रेत में समाया हुआ मीठा पानी, जो बारिश का पानी होता है वो रिस रिस कर इकट्ठा किया हुआ होता है। एंड जो कुएं का पानी होता है वो हमारा किसी भी नदी, तालाब या फिर जल स्रोत द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। बट जो कुएं का पानी होता है वो किसी जल स्रोत से प्राप्त नहीं किया जाता, वो बारिश का पानी होता है जिसे वो लोग रेत से रिसा रिसा कर इकट्ठा करते हैं। अब कुएं की खुदाई करते हैं चेलवांजी लोग। चेलवांजी लोग बड़ी मेहनत से इसकी खुदाई करते हैं और इसको बनाकर रेडी करते हैं। पहले के टाइम में चेलवांजी लोगों की बहुत ज़्यादा आवभगत थी। जितनी भी फसलें होती थी तो चेलवांजी लोगों का हिस्सा निकाल कर रख दिया जाता था, और जितने भी फेस्टिवल होते थे उन पे चेलवांजी लोगों को एक अतिथि की तरह बुलाया जाता था, मान सम्मान किया जाता था और मिठाइयाँ देकर उनकी विदाई की जाती थी। बट आज के टाइम में इतना बुरा हाल है चेलवांजियों का कि उन्हें मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है, मजदूरी देकर, और उनका कोई भी आदर सम्मान नहीं किया जाता। क्योंकि आजकल पानी की प्रॉब्लम उतनी बड़ी रह नहीं गई ना वहाँ पर, तो आज उनके मन में उन चेलवांजियों के लिए कोई भी आदर सम्मान नहीं है। कुएं की खुदाई कैसे करते हैं चेलवांजी लोग? वो कुएं का व्यास कम रहता है इसीलिए कोई बड़ा औजार यूज़ नहीं कर पाते, तो वो एक नुकीले औजार से कुएं की खुदाई करते हैं। और जब कुएं ज़्यादा गहरी होने लगती है तो उसमें गर्मी बढ़ने लगती है, अंधेरा भी बढ़ने लगता है, और वो लोग दिक्कत में आ जाते हैं। तो कुछ लोगों को वो ऊपर खड़ा करते हैं। एंड एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि रेत धंस जाती है। ठीक है, मिट्टी नहीं धंसती, रेत धंस जाती है। तो वो लोग ऊपर कुछ लोगों को खड़ा करके मुट्ठी से रेत फेंकने को कह देते हैं कुछ टाइम बाद। जिससे जब रेत फेंकते हैं हम गहराई में तो हवा का प्रेशर जाता है, वही थोड़ी सी हवा उन चेलवांजी लोगों को लग जाती है ताकि गर्मी ना लगे। और उस रेत से बचने के लिए वो लोग एक बर्तन को अपने सिर पर पहनते हैं, पीतल के बर्तन को, जिसको वो लोग टोपी के रूप में यूज़ करते हैं और टोपी ही कहते हैं। ठीक है, वो पसीने में तरबदर होकर 30 से 35 हाथ लंबी खुदाई करके एक कुएं बनाते हैं। फिर उस कुएं को चारों तरफ से चिनाई करके रोका जाता है। कभी कभी रेत धंसने की वजह से वह नहीं भी रुकती है तो बांस लगाए जाते हैं और सारी टेक्निक यूज़ की जाती है। अच्छा, कुएं में पानी आता कहाँ से और कितना पानी आता है? तो हमारा जो राजस्थान होता है वो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि रेत की एक मोटी सतह के नीचे खड़िया मिट्टी की पट्टी बनी हुई होती है। ठीक है, अब होता है ना, ज़मीन में तो सब कुछ पाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ कहीं चूना कहीं पत्थर, तो वहाँ भी कहीं कहीं खड़िया मिट्टी की पट्टी बनी हुई होती है। तो रेत का क्या रहता है, जैसे ही पानी हुआ वो सोखती नहीं है, फटाफट से नीचे पानी को पहुँचा देती है। बट हमारी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और पानी ऑब्जर्व कर लेती है, बहुत दिनों में सूखती है। बट रेत पे क्या होता है, फटाफट से पानी नीचे चला जाता है रिस पर। अब जहाँ पर खड़िया मिट्टी होती है वहाँ पर जो पानी नीचे गया है रिस पर वो भूजल से जाकर नहीं मिलेगा, वो पानी वहीं रुका रहता है। तो
वहाँ राजस्थानी लोग चेलवाजियों द्वारा वहीं पर एक छोटे व्यास की कुई तैयार करवाते हैं और उसमें वो पानी रिस रिस कर इकट्ठा होता है। दिन भर में एक या दो मटके पानी ही मिलता होगा, ज़्यादा पानी नहीं मिलता। अच्छा, कुई का व्यास कम रखने का एक रीज़न ये भी रहता है क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है। व्यास ज़्यादा होगा तो वो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, तो इसलिए वो व्यास कम रखते हैं और अपनी अपनी कुइयों को ढक कर रखते हैं। ठीक है, यही रीज़न था। और इस चिनाई के काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे राजस्थान के लोग चेलवांजी लोगों का। बट अब वो कोई भी इतना सम्मान नहीं करता, मजदूरों की तरह उनसे मेहनत करवाई जाती है। और इस मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए एक लंबा स्ट्रगल था उस टाइम में। कसम था इस चैप्टर में कुई और चेलवांजियों के बारे में, काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको बताया है। और हाँ, एक चीज़ और बताई गई है कि तीन तरह का पानी होता है। एक तो हमें जो कुएं द्वारा मिलता है डायरेक्ट भूजल से, ठीक है, हम इतनी खुदाई करते हैं कि डायरेक्ट भूजल पे पहुंच जाते हैं, वो वहाँ पर खारा होता है। एंड एक हमें नदी तालाबों से मिलता है, एक ये कुएं के थ्रू मिलता है। तो इसी पानी को डिस्कस किया गया था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ।